पूरी तरह से सीजनल है। हम सभी को गर्मियों में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर वो आइसक्रीम हम अपने घर में बनाएं तो वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट आइसक्रीम। ये 5-स्टार चॉकलेट है, इससे मैं बनाऊंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आइसक्रीम। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, सारे स्टेप्स को फॉलो करें और एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करें ताकि आपको भी पता चले कि इसकी आइसक्रीम कितनी इंटरेस्टिंग बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो व्यूवर्स यहाँ पे मेरे नए हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चॉकलेट आइसक्रीम। हमने ली है ये कैडबरी की 5-स्टार चॉकलेट। ये 5 रुपये वाली चॉकलेट है और हमने 3 ली है। इसको हम ऊपर से ऐसा कट करेंगे कि सिर्फ हमारी चॉकलेट बाहर आ जाए और रैपर एज इट इज़ बना रहे, क्योंकि हम इसी में अपनी आइसक्रीम कुल्फी जमाने वाले हैं। तो हमने कट कर लिया है सारे आइसक्रीम्स को, चॉकलेट्स को हमने निकाल लिया है। अब हम बनाएंगे इसकी आइसक्रीम कुल्फी। तो इसके लिए हमने एक पैन लिया है और पैन में हम अपनी इस चॉकलेट को प्लेस कर देंगे। ये धीरे धीरे पैन हीट होगा तो मेल्ट होने लगेगी, पूरी तरह से ये मेल्ट नहीं होगी, बस ये सॉफ्ट होगी। तो हम इसको पहले सॉफ्ट कर लेते हैं ताकि इसमें मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी ग्लास से मिल्क, जो बच्चों वाली ग्लास आती है छोटी वाली, उससे हमने एक ग्लास मिल्क ऐड किया है और इसको हम बहुत अच्छे से चला के मिक्स कर लेते हैं। हमारी सारी चॉकलेट्स अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून शुगर। चॉकलेट ऑलरेडी मीठी है तो शुगर हमें ज़्यादा नहीं डालना है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मेरी वीडियो में एंड तक बनी रहिए और अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसमें 2 चम्मच के आसपास अमूल की क्रीम डाल रहे हैं। आपके पास अगर घर की फ्रेश मिल्क क्रीम हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर नहीं है तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी बहुत अच्छी बनेगी। इसकी धीरे धीरे कंसिस्टेंसी डार्क होने लगती है, हमें बंद कर देना है गैस को और इसे चलाते हुए ठंडा करना है। आप देखिए कितना डार्क है ये। इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं जिस ग्लास में हमने मिल्क डाला था, वही ग्लास है ये, और फिर अपने रैपर्स में हम इनको भर देंगे और फिर इसमें हम टूथपिक डाल के इनको फ्रीज़र में डाल के 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज कर लेते हैं। तो 8 से 10 घंटे हो चुके हैं और मेरी आइसक्रीम कुल्फी बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसके रैपर को फाड़ के आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी जमी है। एकदम मार्केट जैसी ये चॉकलेट आइसक्रीम कुल्फी रेडी है। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, उसके बाद आप इसे बार बार ज़रूर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।